जी हाँ दोस्तों, हमारे भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से हमारे मौसम को लेकर के आज की सबसे बड़ी खबर आ रही है। दोस्तों बता दें कि हमारे मौसम की जानकारी देने वाली एजेंसियों ने मौसम को लेकर के सबसे ज्यादा हाई अलर्ट जारी किया है। तो अगर आप भी इन राज्यों से हैं तो इस वीडियो में बने रहिएगा हमारे साथ एकदम अंत तक। आज मैं आपको मौसम के बारे में सारा अपडेट जानकारी दूंगा, लेकिन वीडियो में आगे जाने से पहले दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हम आगे जो भी मौसम को लेकर के कोई खबर या जानकारी अपलोड करेंगे तो उसकी नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए करेगी। दोस्तों बता दें कि देश की राजधानी दिल्ली सहित उत्तर भारत के कई राज्यों पर बादलों का पहरा है और हमारे कई जगहों पर बारिश तो कई जगहों पर बर्फबारी के आसार बने हुए हैं। हमारे उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में बारिश और बर्फबारी से निचले इलाकों में ठंड में बढ़ोतरी हुई है और इसके साथ ही ठंडी हवाओं का सिलसिला भी लगातार जारी है। यानी कि दोस्तों बता दें कि हमारे उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी है और आपकी लगातार तेज हवाएं भी चल रही हैं। और इसके अलावा दोस्तों हमारे भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान में कहां पर बारिश के आसार हैं, तो फ्रेंड्स बता दें कि हमारे भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार उत्तर प्रदेश में बारिश के आसार बहुत ही ज्यादा बने हुए हैं और यहां पर अगले 24 घंटे में छिटपुट से मध्यम बारिश हो सकती है। तो अगर आप भी यूपी राज्य के चाहे किसी भी जगह चाहे किसी भी जिले से आते हैं तो आपको बिल्कुल भी सावधान और अलर्ट रहने की जरूरत है। और इसके साथ ही साथ हमारे भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने पहाड़ी मैदानी इलाकों को भी अलर्ट किया है। तो वैसे में आप इस समय किस राज्य और किस शहर से हैं, अगर आप इन राज्यों इन शहरों से नहीं आ रहे हैं तो हमें नीचे कमेंट सेक्शन में अपने राज्य और अपने शहर की जानकारी कमेंट करके आप बता दीजिएगा, ताकि आपके राज्य और आपके शहर की मौसम की जानकारी जैसे ही आ जाएगी वैसे ही मैं आपको अपने इसी वाईफाई ज्ञान चैनल पर वीडियो बना करके अपडेट कर दूंगा। तो चलिए इसी खबर के साथ आज का यह मौसम समाचार की वीडियो को यहीं पर फिनिश करते हैं। मिलते हैं एक और नई मौसम की जानकारी में एक और नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।